गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगों पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करने के लिए। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश में अब सरकार बनाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, फोकस इन लोगों पे होना चाहिए और सरकार उनके लिए काम करने चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने कार्यकर्ता को नहीं भूलना। कार्यकर्ता हमें चुनाव जिताता है तो सरकार में कार्यकर्ता की आवाज़ अवश्य होनी चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, ये भी आपकी सरकार में ओपननेस होनी चाहिए कि हिमाचल का कोई भी व्यक्ति आके चीफ मिनिस्टर से, मंत्रियों से, MLA से, संगठन के लोगों से खुल के बात कर सकती है। मैं आपको मैसेज देना चाहता था, हिमाचल की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को जिताया और सॉलिडली आपने पूरा दम लगा कर हमें जिताया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका ये जो यात्रा है इसके द्वारा देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और जो नफरत की एक जो कोशिश की जा रही है उसको जो है कमजोर किया जाएगा। शैंडिल जी कहाँ हैं? आपकी दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए सरकार को? जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह के वक्त के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे उनको पूरा करना चाहिए सर, क्योंकि अब आधे छोड़ दिए गए। और दूसरी चीज सर, हम लोगों को जो बेरोजगारी है उसका उन्मूलन करने के लिए पर्यटन को एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में आगे लाना चाहिए। जैसे हमने कहा है इन और मैनिफेस्टो कि भाई हम बिना ब्याज के ऋण देंगे, इसी प्रकार से सर विलेज टूरिज्म तक, ग्रामीण विकास तक जोड़ के उसको हम पर्यटकों को आगे लाएं ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो और बच्चों को काम मिले। आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। सोमवार दिन हो गया सर, मैं भी ट्रैकिंग करता था, बेस्ट ट्रैकर था, और सड़क पर चलने वालों के पहले दिन तो छाले पड़ जाते थे सर। 12 किलोमीटर कोई चल नहीं सकता, 25-25 किलोमीटर आप चल रहे हैं और 3600 किलोमीटर, ऐसा कोई नेता हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ है जो 3600 किलोमीटर चलेगा। लेकिन सर आपकी दृढ़ता और आपकी इच्छा शक्ति की कि हम सब लोग घायल है सर, कि देश के हित के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए आपने जो कार्य किया उसमें सहयोग करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हम सारे कांग्रेस चल रहे हैं। थैंक यू।